दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी की तारीफ की है। मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तेजस्वी यादव ने कहा है अटके हुए प्रोजेक्ट को चालू कराने पर बात हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में एक्सप्रेसवे को लेकर भी हमने मांग रखी है। दिल्ली में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। नितिन गडकरी से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की और कहा कि मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, साथ ही कई प्रोजेक्ट जो 11 साल से अटके हुए हैं उन्हें चालू कराने पर बात हुई है। बिहार में एक्सप्रेसवे को लेकर भी उन्होंने मांग रखी है। इस मुलाकात से काफी उम्मीद जग गई है आम जनता की, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 से 15 सालों में सड़कों का जाल बिहार में बुना है, ऐसे में ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास बताई जा रही है। बहरहाल इस मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी बातें भी रखी हैं, सोशल मीडिया पर लिखा भी है इस मुलाकात के बारे में। मेरा मानना है कि नितिन गडकरी जी बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, और बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 11-12 साल से जो रुके हुए थे उसको लेकर के उसको स्पीडियाइट कराने के लिए जो है बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है, तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का जो है वो डिमांड किया है। पिछले बार बिहार आए थे तो बक्सर तक हुआ था, उसको कहा गया था कि भागलपुर तक कर देने, लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते हैं वो हो, तो उसके लिए भी वो पॉजिटिव नज़र आए।